हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। लेक्चर फर्स्ट है सिलेबस से रिलेटेड। ये चैप्टर करेंगे हम क्लास 12th का इंटीग्रल्स का चैप्टर करेंगे। इंटीग्रल्स टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इस लेक्चर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रल से पहले आपने डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से कर रखा है और उसी से रिलेटेड करके मैं आपको इसको बताती हूँ कि इनडेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है। कि कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्स क्यूब। मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया, क्या एक्स क्यूब। अब आपको बता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x². ठीक है, तो ये जो 3x² है, दिस इज द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x² इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो जो एंटी डेरिवेटिव है, दिस इज द इंटीग्रल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, 3x² इज इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब। बट इसको लिखेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx इक्वल टू x³ + c। अब यहाँ पे दो नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ये dx क्या है और ये c क्या है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है dx। जब हमने डेरिवेटिव किया था तो कोई भी वेरिएबल होता था उसके अकॉर्डिंग, उसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हम निकालते थे। ये भी वही काम कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 3x² विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये सी, ये कांस्टेंट कहाँ से आ गया, इसके बारे में बात करते हैं। कोई भी एग्जांपल ही लेंगे हम, जैसे कि मैंने कह दिया 5x², इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो क्या आएगा, d/dx 5x². डेरिवेटिव निकालेंगे क्या आएगा, 10x। अगर कोई फंक्शन ले हम 5x² + 3, अगर आपसे कहा जाए कि आप इसका डेरिवेटिव निकालें तब भी तो यही आएगा 10x। ठीक है, और ऐसे ही इसको कंटिन्यूस करें तो 5x², कोई भी सी ले लें, एनी कॉन्स्टेंट टर्म, और अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालें वो भी तो क्या आएगा, 10x। यानी कि ये जो कॉन्स्टेंट है यहीं पे, ये कॉन्स्टेंट ये है। ठीक है, जो कॉन्स्टेंट यहाँ काम कर रहा था वही ये कॉन्स्टेंट है। इसे हम क्या कह देते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, होप कि आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस कुछ एक डेफिनेशंस हैं, कुछ एक नोट्स हैं, वो याद कर लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए द सिंबल dx, कि ये जो सिंबल dx है इंडिकेट्स दैट इंटीग्रेशन इज टू बी परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू x। ये बात आपको बता दी थी कि dx का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। सेकेंड, द फॉर्मूला दैट गिव्स द एंटी डेरिवेटिव, वो फॉर्मूला जिससे हमें एंटी डेरिवेटिव मिल रहा है इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन, एंड द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, इंटीग्रल निकालने के इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इंटीग्रेशन। एंड द लास्ट पॉइंट इज, इफ fx बी ए फंक्शन, अगर fx इस तरह का फंक्शन है कि उसका डेरिवेटिव क्या है, जीरो है, तो वो फंक्शन कॉन्स्टेंट हो गया। देखो कैसे, 5 है, अब हमें पता है 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। इसने यही बात कहा है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह का है कि उसका डेरिवेटिव 0 है तो वो फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। होप कि आपको क्लियर है। अब कुछ एक फॉर्मूला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फॉर्मूले किस तरह से हैं, किस तरह से हम डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं इजीली। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूलाज के बारे में कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से किस तरह से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट क्या है कि अगर हम x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालें तो वो x की पावर n आएगा। आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव निकाल भी सकते हैं, क्या था देखो, 1 अपॉन n प्लस 1 तो रहेगा ही, x की पावर, पावर में क्या था, n प्लस 1 आगे आ गया और एक पावर क्या हो जाएगी, कम, n प्लस 1 कट गया, तो डेरिवेटिव क्या बना,
एक्स की पावर एन, और अगर हमसे सीधा ही पूछा जाए तो क्या बन जाएगा इसका एंटी डेरिवेटिव, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी जरूर रहेगा। ठीक है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस सी, जो सी है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी वही होता है और इसका इंटीग्रेशन भी वही होता है। ठीक है, a की पावर x का डेरिवेटिव हम क्या करते थे, a की पावर x इंटू लॉग a, इसमें क्या होता है जैसे कि जो कांस्टेंट होता है पहले मल्टीप्लाई था डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx क्या आएगा, a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। वन अपॉन ए ई की पावर ए एक्स, अगर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करें तो वो बनेगा ई की पावर ए एक्स, कर सकते ना, वन अपॉन ए तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या था, ई की पावर ए एक्स, और फिर ए एक्स का डेरिवेटिव वो क्या था, ए, ए से ए कट गया, क्या आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स। तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, e की पावर ए एक्स इंटू वन अपॉन ए। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, जो कांस्टेंट होता वेरिएबल के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई होती थी, इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड होगा। इसी तरह की बहुत सारे सम्स हैं, इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां आप जरूर क्लिक कर लीजिएगा नोट्स के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एक थ्योरम्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। इन थ्योरम्स का प्रूफ नहीं आता है, बट जब हम सम निकालेंगे तो इनका ही यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम देखिए, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ इच अदर। बताया था ये तो आपको पहले भी कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स ही बनेगा। और अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है और उसका इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये फंक्शन आएगा प्लस सी, लगाना मत भूलिए, जहां पे भी इंटीग्रेशन सॉल्व होगा वहां पे सी जरूर लगेगा, क्योंकि सी इज द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, सेकंड थ्योरम क्या है, इफ सी इज एनी कांस्टेंट, अगर सी कोई कांस्टेंट फंक्शन है और एफ ऑक्स कोई एक्स का फंक्शन है, तो अगर उस फंक्शन की सी के साथ मल्टीप्लाई है देन इंटीग्रेशन है, तो ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हम सिंपली फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे। थ्योरम थर्ड क्या कहती है, द इंटीग्रल ऑफ सम और द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ देयर इंटीग्रल्स। कोई दो फंक्शन है आपस में प्लस हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन है, तो वो अलग अलग इंटीग्रेशन निकल के फिर प्लस हो जाएंगे। सेम ये चीज माइनस में है, दो फंक्शंस हैं और माइनस का सिंबल है और फिर उसका इंटीग्रेशन है, तो अलग अलग इंटीग्रेशन निकाल के देन हम उसको माइनस कर देंगे। एंड द लास्ट थ्योरम देखिए, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या है, फाई ऑफ एक्स, जस्ट एक नोटेशन है, फाई ऑफ एक्स प्लस सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी का क्या होगा। आपसे देखो x कहां से रिप्लेस हो रहा है, ए एक्स प्लस बी से, तो इंटीग्रेशन में भी x कहां से रिप्लेस हो गया, ए एक्स प्लस बी से। पर बताया था जब डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट का साथ साथ में मल्टीप्लाई होता, इंटीग्रेशन में कहां आ जाएगा, वो ए डिवाइड में चला जाएगा, प्लस में c, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। स्टूडेंट्स, अब हम सम्स में इंटीग्रेशन का कैसे यूज करेंगे, या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। कुछ एक एग्जांपल्स हैं, सिक्स एग्जांपल्स हैं ये, इनमें अलग अलग तरह के मैंने सारे ले लिए हैं लगभग। फर्स्ट देखिए, वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन अंडर द रूट एक्स, अगर हमें कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन निकालें, तो देखो ये क्या है, वन अपॉन, ये रूट का मतलब एक्स की पावर वन बाय टू, और ये पावर अपॉन में है, अगर ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस वन बाय टू। अब हमें पता है, वी नो दैट क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यूज कीजिए इसको,
इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर माइनस वन बाय टू डी एक्स। हमारा n किससे रिप्लेस हो रहा है, माइनस वन बाय टू से, तो n की जगह क्या कर दिया, माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी। सॉल्व करेंगे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर वन बाय टू अपॉन वन बाय टू प्लस सी, अपॉन के नीचे अपॉन है, ये वन बाय टू ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टू एक्स की पावर वन बाय टू प्लस सी। आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो या फिर ज्यादा से ज्यादा एक्स की पावर वन बाय टू को आप रूट एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो वन अपॉन रूट एक्स का हमारा इंटीग्रेशन क्या आ गया, टू रूट एक्स प्लस सी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, अब सेकेंड एग्जाम्पल इंटीग्रेशन साइन फोर एक्स प्लस कोस टू एक्स डी एक्स। अभी हमने थ्योरम में किया था कि दो फंक्शन प्लस में है और फिर इसका इंटीग्रेशन है, मीन्स कि ये अलग अलग इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, साइन फोर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कोस टू एक्स डी एक्स। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे देख लिया करो कि कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस, माइनस का साइन का जरूर ध्यान रखेगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कॉस फोर एक्स। डेरिवेटिव में हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, साथ में मल्टीप्लाई करते हैं फोर से, बट ये इंटीग्रेशन है तो हम डिवाइड करेंगे फोर से, प्लस कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन टू एक्स, और 2x में फिर इंटीग्रेशन क्या आएगा, 2 प्लस सी, साथ में कॉन्स्टेंट टर्म लगाना ना भूलें। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखिए, x प्लस वन अपॉन x की पावर 3 इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फंक्शन है ये a प्लस बी की क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी की पावर 3, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो वही हम पहले सॉल्व कर लें, x प्लस वन बाय x की पावर 3, a की जगह x और b की जगह 1 बाय x, a की जगह x पुट कीजिए, b की जगह 1 बाय x पुट कीजिए, a की जगह x, b की जगह 1 बाय x, a की जगह x, b की जगह 1 बाय x, सॉल्व कीजिए, x क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये क्या बनेगा, प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री बाय एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, मतलब इस सारे का इंटीग्रेशन निकालना है। अब वही अलग अलग इंटीग्रेशन होगा सबका, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन थ्री एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन थ्री अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, होप कि आप आगे तो कर ही लेंगे। x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर 4 बाय 4 प्लस, ये क्या है, x की पावर माइनस 3 है, x की पावर माइनस 3 का इंटीग्रेशन माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, ये क्या बनेगा, x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, माइनस 1 अपॉन 2 और नीचे जाएगा x की 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आएगी x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाय टू। ये कैसे आया, देखो x का इंटीग्रेशन मतलब x की पावर 1 है तो क्या था, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, वही फॉर्मूला है ना, वही यूज हुआ है, प्लस में 3 क्या बचा, 1 अपॉन x, log का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x, प्लस में c लिखना मत भूलें। सिंपल ही कैलकुलेशन है, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक फॉर्मूला लगाया था x की पावर n वाला, यहाँ पे भी x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी x की पावर n का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे भी x की पावर n, यहाँ पे 1 का काम करी है, x की पावर 1 का फॉर्मूला लगा और ये 1 अपॉन x log x। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, फिफ्थ देखिए एग्जाम्पल, वन अपॉन अंडर द रूट फाइव एक्स प्लस थ्री प्लस अंडर द रूट
फाइव एक्स प्लस टू। जहां तक याद है छोटी क्लासेस में हमने ये किया हुआ है रेशनलाइजेशन। जब इस टर्म की इस टाइप की टर्म होती तो हम इसे सिंप्लीफिकेशन में क्या करते, रेशनलाइजेशन कर देते, हर का प्रमेयीकरण कर देते। तो प्लस का साइन है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से, माइनस अंडर द रूट फाइव एक्स प्लस टू। जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से ही क्या करेंगे, डिवाइड। सॉल्व कीजिए, वन से मल्टीप्लाई सेम ही रहेगा, फाइव एक्स प्लस थ्री माइनस अंडर द रूट फाइव एक्स प्लस टू। ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ऊपर वाला तो हल होना नहीं है, देखो स्क्वेयर से रूट कट गया, स्क्वेयर से रूट कट गया, क्या बनेगा, अंडर द रूट फाइव एक्स प्लस थ्री माइनस अंडर द रूट फाइव एक्स प्लस टू अपॉन फाइव एक्स प्लस थ्री माइनस फाइव एक्स माइनस टू। ब्रैकेट है, साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। फाइव एक्स से फाइव एक्स गए, थ्री में से टू गया वन, यानी कि ये चीज रही नहीं है, सिर्फ ये बच गया हमारे पास। मतलब फाइव एक्स प्लस थ्री इसकी पावर वन बाय टू, फाइव एक्स प्लस टू इसकी पावर वन बाय टू। हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, वही बन गया ए एक्स प्लस बी की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, पर साथ में इसका जरूर ध्यान रखिएगा इन टू में वन अपॉन ए प्लस सी। इस क्वेश्चन को आप इजीली आगे कर लेंगे। एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए। अब आप कहेंगे कि मैडम आप एनसीईआरटी करा रहे हो, आप एलिमेंट्स करा रहे हो। मैं ना ही आपको एनसीईआरटी करा रही, मैं ना ही आपको एलिमेंट्स करा रही, मैं आपको इंटीग्रेशन करा रही हूँ। इंटीग्रेशन से रिलेटेड कैसा भी सम आ जाए आपको सोल्व करना है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स। इसने क्या कहा है, कोई फंक्शन दे रखा है, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए, एंटी डेरिवेटिव एफ निकालिए। एंटी डेरिवेटिव निकाल दीजिए, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, एफ निकाल दीजिए, एफ इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स। इंटीग्रेशन कीजिए, फोर कॉन्स्टेंट टर्म है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर फोर बाय फोर, सिक्स कॉन्स्टेंट टर्म, वन का इंटीग्रेशन। देखो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। ये आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है नोटेशन के हिसाब से। हमें दिखाना था एफ ऑफ जीरो की वैल्यू थ्री आ रही है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, थ्री। फोर एक्स की जगह जीरो पुट कीजिए, माइनस सिक्स जीरो पुट कीजिए, प्लस सी। सॉल्व किया, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वैल्यू क्या है, सी। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू इसने क्या दी है, थ्री, यानी कि हमें सी की वैल्यू निकालनी थी और हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई है, थ्री। ये कुछ एक एग्जाम्पल्स थे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना, आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपको एलिमेंट्स से रिलेटेड भी सारे नोट्स मिल जाएंगे, एग्जाम्पल से रिलेटेड भी। किसी क्वेश्चन के बारे में क्यूरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली लिख सकते हैं। और इससे आगे करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम डेली इससे आगे करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।